मध्य प्रदेश सरकार एजुकेशन में लगातार इनोवेशन कर रही है। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर स्कूलों में एआई के जरिए एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू के तहत अब प्रदेश के बच्चे नए टेक्निकल एजुकेशन से आगे बढ़ सकेंगे। मध्य प्रदेश के 53 चयनित एजुकेशन फॉर ऑल स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सिलेबस शुरू किया गया है। यह हाईटेक एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह सिलेबस 8वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए शुरू किया गया है, जिसकी कुल टाइमिंग 240 घंटे की है। पिछले साल हजारों स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट में एजुकेशन ली थी। इनमें कक्षा 8वीं के 619, कक्षा 9वीं के 1303 और कक्षा 10वीं के 995 छात्र शामिल थे। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट को सिलेबस में शामिल करना न केवल स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि देश के भविष्य के लिए भी ऐतिहासिक पहल है। मोहन सरकार का यह कदम मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। डिजिटल युग में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।